गाइज, मैं जानता हूँ आप इस टाइम पर एक स्मार्टफोन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, उसे मैं देखता भी हूँ और जितना हो सके उतना रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। आई गारंटी आज इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो बेझिझक होकर मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। आप दोस्तों वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए और बेल आइकन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बेसिकली कंफ्यूजन किस टाइप की है, जैसे कि 15 से 20 हजार के प्राइस सेगमेंट में हमें एक फोन लेना है, तो इस प्राइस रेंज में इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं। अगर मैं आपको कोई 2 से 3 फोन भी बता दूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फोन लूं और कौन से फोन को इग्नोर करूं। अब यह चीज सिर्फ दोस्तों 15 से 20 हजार के प्राइस सेगमेंट में नहीं है, हर प्राइस सेगमेंट में आपको यह चीज देखने को मिलेगी। आज मैं आपको हर प्राइस सेगमेंट में सिर्फ एक स्मार्टफोन बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या यह फोन कंसिडर करना है। और ये जो भी फोन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो फुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं, एक तरीके से आप पैसा वसूल स्मार्टफोन बोल सकते हैं। मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है आपके लिए एक अच्छा फोन पिक करने के लिए। शुरुआत करते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। अगर आपका बजट 60,000 के आसपास है तो यह फोन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली एंड्रॉइड यूजर के लिए। यहां पर परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन, ये सारी चीजें टॉप नॉच हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट 50,000 से लेकर 55,000 तक है तो सैमसंग गैलेक्सी S22, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं आजकल कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो एक कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, आराम से इस फोन को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस में जो फीचर्स ऑफर किए गए हैं वो मोस्ट ऑफ फीचर्स इस फोन में देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ बैटरी कैपेसिटी को लेकर डिफरेंस है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों अगर आपका बजट 45,000 के आसपास है और आप आईफोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आईफोन 12 को कंसीडर कर सकते हैं। तो आईफोन 12 एप्पल की ओर से एक कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ आपको स्टोरेज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि है 64GB स्टोरेज। 45,000 के प्राइस रेंज में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन है, क्योंकि अब आईफोन 13 का प्राइस भी ज्यादा है। कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने पर्सनली इस फोन को यूज किया है, पैसा वसूल आईफोन है। अगर आपको 64GB से फर्क नहीं पड़ता तो आप आईफोन 12 को कंसीडर कर सकते हो, बट अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो आईफोन 13 लेना, वहां पर आपको 128GB स्टोरेज मिल जाएगी। अब ये चीज दोस्तों आपको यूसेज के हिसाब से देखनी होगी। 64GB अगर आपका यूसेज है तो आप आईफोन 12 के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको 128GB की जरूरत है तो आप आईफोन 13 के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका बजट 35,000 के आसपास है और आपको एक ऑलराउंडर गुड लुकिंग कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तो वो है वीवो V25 प्रो। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में कोई भी कमी नहीं है, वीडियोस देखने में आपको मजा आएगा। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, सो इट इज अ पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। ये एक 5G स्मार्टफोन है जहां पर आपको 8 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप इस फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो रियर साइड पर 64MP का मेन कैमरा सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस और फ्रंट साइड पर 32MP का सेल्फी कैमरा। ओवरऑल दोस्तों लो लाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, बाकी मेन कैमरा सेंसर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो डे लाइट की फोटो हो या फिर लो लाइट कंडीशन में जो फोटो आपने कैप्चर की है। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 4830mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 66W की फास्ट चार्जिंग। मैंने इस फोन का चार्जिंग टेस्ट भी किया तो ये फोन 0 to 100% 56 मिनट में फुल चार्ज हुआ। एक दिन का बैटरी बैकअप आप इजिली इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका बजट 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में है और आपको एक ऑलराउंडर फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए है IQ Neo 6। लिटरली आज की डेट में जिस प्राइस रेंज में ये फोन आता है, उस प्राइस रेंज में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो इस फोन में 6.6 इंच की फुल HD+ E4 AMOLED डिस्प्ले ऑफर की गई है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अभी आप इस फोन की डिस्प्ले को इंडोर कंडीशन में देख रहे हो, आउटडोर कंडीशन में भी मैं आपको इस फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करवाता हूँ। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, विजिबल है, जो आप देख सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर इस फोन में ऑफर किया गया है, जो आज की डेट में भी हार्डकोर परफॉर्मेंस
फोन्स के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर हैं। LPDDR4X RAM एंड UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप। मैंने दोस्तों इस फोन में CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, वहां पर इस फोन की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। 85% इसका ग्राफ है और जिप स्कोर की बात करूं तो 2 लाख से ऊपर है, जो काफी अच्छी चीज है। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करो या क्लोज करो, डेफिनेटली फोन फास्ट फील होता है। यहाँ पर आपको 4 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। थोड़े और ज्यादा 5G बैंड होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको सिर्फ 4 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप इस फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चैनल पर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन को मैंने पहले भी यूज किया है। गेमिंग रिव्यू हमने इस फोन का बनाया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 4700 mAh की बैटरी ऑफर की गई है। 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 80W की फास्ट चार्जिंग इस फोन में ऑफर की गई है। 0 to 100% ये फोन 38 मिनट में फुल चार्ज होगा और 0 to 50% 16 मिनट में ये फोन फुल चार्ज होता है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो उससे पहले कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। डे लाइट में आप देखोगे जो पोर्ट्रेट मोड है, जो सूरज की रोशनी है, डिटेलिंग है, वो अच्छी तरीके से निकल के आती है। मेन सेंसर से लो लाइट में काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर लेता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन डे लाइट में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका बजट 22,000 से लेकर 25,000 है तो इस टाइम पर पोको F4 5G एक ऑलराउंडर पैकेज है। ग्लास बिल्ड क्वालिटी, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस रेंज में मिलना काफी अच्छी बात है। आप इस फोन में हाई ग्राफिक वाली गेमिंग भी प्ले कर सकते हैं। इवन ये फोन 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले आपको इस फोन में ऑफर की गई है। 30,000 की प्राइस रेंज में आज की डेट में जितने भी फोन आते हैं उससे इस फोन की डिस्प्ले कहीं ज्यादा ब्राइट है और बेटर भी है। प्रैक्टिकली तौर पर वो चीज भी मैं आपको आगे वीडियो में चेक करवा दूंगा। देखो फोन लेना या ना लेना वो चीज आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। मेरा काम है फोन की अच्छी चीजें और कमियां, ये दोनों चीजें आपके साथ शेयर करना। अब दोस्तों डिस्प्ले की ब्राइटनेस कैसी है आउटडोर कंडीशन में वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके लिए मैंने रेफरेंस के तौर पर 2 स्मार्टफोन लिए हैं। एक तो है पोको F4 5G और दूसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 6। इन तीनों फोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस आउटडोर कंडीशन में हम चेक करते हैं। तीनों ही फोन मैंने फुल ब्राइटनेस पर सेट किए हैं। लेफ्ट साइड पर नथिंग फोन, सेंटर में पोको F4 5G और सबसे लास्ट में जो स्मार्टफोन है वो है iQOO Neo 6। दोपहर का टाइम है, आप ध्यान से देख सकते हो पोको F4 5G की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। जो बीच में रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है वो आपके सामने ही है। मुझे किसी भी ब्रांड ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और दूसरे हाथ से फोन दिखाना बहुत मुश्किल है भाई साहब। ये सारे स्मार्टफोन मैंने आपको रिव्यू देने के लिए खुद से बाय किए हैं। तीनों ही फोन की डिस्प्ले में आपको आउटडोर कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले पोको F4 5G की है। साथ में अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तो ये फोन कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है, जो 2021 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 30,000 से नीचे की प्राइस रेंज में अगर आपको ये प्रोसेसर मिल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। रैम और स्टोरेज में LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। फोन काफी स्मूथ फील होता है और ये चीज तो होनी ही थी, क्योंकि जो हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है। बेसिकली ये फोन परफॉर्मेंस और गेमर्स को टारगेट करता है, तो यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। HDR एक्सट्रीम पर आप गेम प्ले कर सकते हैं, यानी कि 60 FPS पर। जो लोग गेमर्स हैं खास करके ये फोन उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और ये प्रोसेसर हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए ही कैपेबल है। 10 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप इस फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। अब आते हैं कैमरा की तरफ। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर विथ OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और साथ में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन में 4500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 67W की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 42 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन आप मत करना। ऑन एन एवरेज 7 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट 20,000 है तो ऐसे में मोटो G82 काफी अच्छा ऑप्शन है। 120Hz AMOLED डिस्प्ले, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G
जीबी प्रोसेसर, क्लीन यूजर इंटरफेस और इस फोन में रियर साइड पर जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है वहां पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी है। 20,000 के प्राइस रेंज में ये एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट 17,000 के आसपास है तो रियलमी 9 प्रो ये भी एक अच्छा पैकेज है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है आईक्यू Z6 5G। ये स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइस 15,000 रुपए है लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इस फोन को 13,000 से भी नीचे की प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में ये फोन आता है उसके हिसाब से इस फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर ऑफर किया गया है जो कि प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी अच्छा प्रोसेसर है। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी और फोन की इन हैंड फीलिंग काफी अच्छी है। 15,000 के प्राइस रेंज में इस फोन का कैमरा भी काफी अच्छा है। 5,000 mAh की बैटरी इस फोन में ऑफर की गई है। 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग, फोन को फुल चार्ज होने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा क्योंकि 5,000 mAh की यहां पर बैटरी ऑफर की गई है। ऑल इन ऑल अगर आपको ये फोन 13,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।